दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी पेंसिल्स के बारे में जो जिन लोगों को पेंटिंग्स का शौक होता है उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आई है। वो पेंसिल के बारे में पूरा सेट आया है बॉक्स का, वो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। वो आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने अच्छे से वो वर्क करता है। मेरे को भी पेंटिंग वगैरह का शौक रहता है तो मैं भी उस चीज़ का यूज़ करता हूँ। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट लुक जो कि है ये रहा। ये देखिए जी हाँ, ये है डोम्स का डार्क पेंसिल का न्यू सेट जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। ये देखिए, ये ब्लू कलर में ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये करीब इतना बड़ा है मेरे हाथ से, ये इतना बड़ा है। ये इसमें पेंसिल्स वगैरह हैं, इसमें मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ इसमें क्या क्या होती हैं। ये देखिए गाइस, ये रही इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए, ये 125 रुपये में आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप से। बाकी अगर आप इसको पूरा सेट ले या दो सेट है तो आपको 120 रुपीज़ में या 110 में आराम से पड़ जाएगा। ये अभी जनवरी 2023 में ही बना है ये, तभी मुझे इसका काफ़ी टाइम से इंतजार भी था। मैं काफ़ी टाइम से इसका वेट भी करता कि इस तरीके का सेट, क्योंकि मुझे चाहिए था, मुझे पेंटिंग्स वगैरह का शौक रहता है उसके लिए। तो इसमें देखिए, इसमें आपको 10 पेंसिल का सेट मिल जाता है जो आपको 172 mm की लेंथ मिल जाती है सारी पेंसिल्स में। और ये कुछ पेंसिल इस तरीके की दिखती है। इसमें आपको एक पेंट ब्रश, इसमें आपको ये ब्रश भी मिल जाता है, इरेजर भी मिल जाती है और एक प्रोटेक्शन कैप भी मिल जाती है जो खास मुझे अच्छी लगी। और ये ज्योमेट्री का आप देखिए टाइप कितना अच्छा लगा इनका। गाइस चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा, ये कुछ इस तरीके में दिखता है। ये देखिए, ये इसमें पेंसिल से मैं इसको पकड़ लेता हूँ, नहीं तो ये गिर जाएंगी। ये देखिए गाइस, ये है इसका पेंसिल्स का सेट। ये आपको इसमें एक ब्रश भी मिल जाता है। ये थोड़ा गिर रहा है, मैं पकड़ देता हूँ इसको। ये देखिए, ये रहा ब्रश, आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसके एक प्रोटेक्शन कैप मिल जाती है और एक ये शार्पनर मिल जाता है। इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, अंदर से काफ़ी कूल डिज़ाइन की लगती है। अब मैं आपको इसमें एक पेंसिल खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक इतनी बड़ी पेंसिल है जो कि है HB2 की। ये देखिए गाइस, ये जिसको पेंसिल वगैरह का शौक होता है कटिंग करने का और चीज़ें करने का, वो उसको इसको आसानी से कर सकता है। ये देखिए, ये काफ़ी जो लेड है इसका, ये काफ़ी ठीक है। जो जिसको पेंसिल कर्व करना चाहता है वो भी कर सकता है। मुझे भी काफ़ी शौक रहता है कर्व करने का, मैं भी अपनी काफ़ी करता हूँ, मैंने भी काफ़ी करे हैं। कभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा अपनी सारी कलेक्शन जो मैंने खुद की बनाई हुई है, वो सारी दिखाऊँगा। ये देखिए गाइस, और मुझे डोम्स की पेंसिल हमेशा से पसंद आती है। क्यों? क्योंकि मैं स्केचिंग के लिए ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ। मेरे पास और भी कई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारा कलेक्शन अपना मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या कलेक्शन है मेरा, मैं किस तरीके से पेंसिल का यूज़ करता हूँ कर्व करने के लिए, स्केचिंग करने के लिए या और कोई डिज़ाइन बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैं क्या से चीज़ें यूज़ करता हूँ सब आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए गाइस, ये जो स्टार बने हैं इसके बहुत अच्छे बने। अब जो डोम्स की जो न्यू पेंसिल जो क्वालिटी वाली रही वो बहुत शानदार रही वर्क एक्सपीरियंस में। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो बहुत लाजवाब है, लेकिन अभी इनका ये लुक्स भी ये बहुत अच्छा दे रही है, एकदम ये प्रोफेशनल्स वाला लुक देती है। ये देखिए गाइज आप, ये देखिए, ये बिल्कुल पेन लगता है देखने में, लेकिन है ये एक्चुअली में पेंसिल। और ये सुपर डार्क लिखा है, HB2 की लिखा है, इसका मतलब ये लेड काफ़ी मोटा है, काफ़ी ठीक है। ये देखिए, पेंसिल के पीछे भी इन्होंने ये बना रखा है, ये देखिए इरेजर करके कि इस तरीके में आता है। ये देखिए इतना मोटा होगा और ये जो रबर दे रखी है वो इस तरीके से मिटेगा तो ये इस तरीके का नज़र आएगा। ये पेंसिल मुझे काफ़ी पहले से ही पसंद थी, मैं मुझे काफ़ी वेट था इसका। एक्चुअली मैं काफ़ी चीज़ें देखते रहता हूँ इन सब चीज़ों के, क्योंकि मुझे थोड़ी आर्टिस्ट वे में मुझे थोड़ा चीज़ें पसंद है, मैं चीज़ें करता रहता हूँ, तो मुझे उस चीज़ में थोड़ा बहुत नॉलेज रहती है। तो मैंने सोचा कि ना आज अपनी ऑडियंस को मैं आज ये चीज़ें बताऊँ, क्योंकि कई लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे पर्सनली भी कहा था कि कुछ ऐसा दिखा जो तेरे खुद इतना टाइम से जो कलेक्शन करता है, जो चीज़ें करता है, कुछ उन चीज़ों में दिखा लोगों को, वो भी जानने का रहता है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो ऑन डिमांड बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने ये बात कही थी। तो अगर आप इस पेंसिल से वो चीज़ें करके दिखाते हैं तो वो बहुत शानदार होंगी। आप इसे अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ करते हैं, ज़रूरी कि आप ड्राॅइंग में स्केचिंग्स में यूज़ करें। आप इसको अपनी एग्ज़ाम से भी लेके जा सकते हैं, अपने वर्क के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। क्या इसमें लिखा है ये काफ़ी शार्प रहती हैं, तो 3 साल से कम के बच्चों को नहीं देना चाहिए, आप थोड़े बड़े बच्चों को ही दो, ताकि वो अपनी जो आर्टिस्टिक चीज़ें इनकी वो उसको फुलफ़िल कर सके। और जो इसका जो पकड़ने का, ये देखिएगा एक
ये है इस, ये सर्कल में नहीं है, ये देखिए ये ट्रायंगल में आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये सर्कल नहीं है। ये चीज़ डोम्स की बहुत ज़्यादा इसको शानदार बनाए, क्योंकि जब भी आप इसको पकड़ते हैं तो ये सर्कल में कभी नहीं होती, आप हमेशा इसको अपने उसी उसमें पकड़ते हैं कि भाई हमें जिस वे में इसको पकड़ना होता है, ऐसे पकड़ना होता है, यूँ यूँ पकड़ना होता है, या कैसे भी पकड़ना होता है। मैं नॉर्मली इसको इतनी पीछे से पकड़ता हूँ कुछ स्केच करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो इसका ग्रिप काफ़ी अच्छी होती है। इसकी ग्रिप की वजह से मैं ज़्यादातर चीज़ों में डोम्स की पेंसिल का ही यूज़ करता हूँ। ये क्योंकि ये देखिए गाइज, इसमें इसका ये भी है, इसकी जो कैप मैंने बताई थी, इसकी कैप भी काफ़ी अच्छी लगती है ये देखने में। ये देखिए पेंसिल के ऊपर अगर हम लगाएंगे तो ये कुछ ऐसी लगेगी, लगी जाए लगेगी। ये देखिए बिल्कुल पेन की शेप में आ रही है, कितनी बड़ी है ये देखिए, मतलब कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी ये, काफ़ी अच्छी लगी। इसका शार्पनर भी देखिए उसी कलर में है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो गाइज बताना मुझे, बताइए कि किस किस को आर्टिस्ट का शौक है बनना, या फिर किसको आर्ट करना पसंद है, और कौन ऐसी पेंसिल का इंतजार कर रहा था या ऐसे ले चुका है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।